हो गया क्या? तो हम लोग 3 ईयरली सीख लिए हैं, 4 ईयरली सीख लिए हम लोग। पहला 2 साल का नहीं आएगा, अब ये लोग क्या कर रहा है, पहले यहाँ एवरेज निकाल लिया डिवाइडेड बाय 4 करके, फिर दोनों को जोड़ के फिर डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है। दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड। पहले डिवाइडेड बाय 4 कर दिया है, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है। फटाफट कब कर लिए इसको। गया ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिए 5 ईयर फटाफट। हेडिंग दीजिए 5 ईयर। कॉलम क्या क्या बनेगा? एक ईयर का, एक वैल्यू का, एक 5 ईयर मूविंग टोटल, एक 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो पहला 2 साल का नहीं निकलेगा, लास्ट का 2 साल का नहीं निकलेगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, पहला 5 साल का टोटल यहां लिखेंगे, उसके बाद एक माइनस एक प्लस। पहला 5 साल का टोटल आप बीच वाले ईयर में लिखेंगे, उसके बाद से क्या करना है, एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस, फिर एक वैल्यू माइनस, फिर एक वैल्यू माइनस, ऐसे करते चलिए फटाफट करिए। हाँ बस पहला वाला ही तो मेन है ना, पहला वाला निकालेंगे तो बाकी सब निकल ही जाएगा अपने आप ही। देखिए मैंने पहले वाला बहुत सुंदर समझा दिया है, पांचों का टोटल आया तो 575। अब क्या करेंगे, 575 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 5 आंसर आ जाएगा।
क्लियर? ये हम लोग का क्या हुआ, फाइव ईयरली मूविंग एवरेज, फाइव ईयरली मूविंग एवरेज। कौन सा सारा ही तो डिवाइड बाय फाइव होगा। बस यही ट्रेंड वैल्यूज यही है। ये को क्वेश्चन देगा बोलेगा निकालो। आगे करें। अब आप लिखो वेटेड मूविंग एवरेज, आप लिखेंगे वेटेड मूविंग एवरेज। आप लिखेंगे वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आप डेटा क्या बनाएंगे, एक ईयर का बनाएंगे, एक वैल्यू का बनाएंगे। डेटा क्या बनाएंगे, एक ईयर का बनाएंगे, एक वैल्यू का बनाएंगे। हेडिंग दिए वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, ईयर बोलो तो क्या क्या है फटाफट, कोई भी एक सम का। 2003। हाँ बोलो, वैल्यू बोलो। 123, 140। ठीक है, हम लोग को निकालना है थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। कैलकुलेट थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज विथ वेट्स 1,2,1। कैलकुलेट थ्री ईयर वेटेड मूविंग एवरेज विथ वेट्स 1,2,1। कैलकुलेट थ्री ईयर वेटेड वेटेड मूविंग एवरेज विथ वेट्स क्या होगा, 1, तो मेरा बात अब ध्यान से सुनो। यहां लिखेंगे थ्री ईयर वेटेड मूविंग टोटल, थ्री ईयर वेटेड मूविंग टोटल, थ्री ईयर वेटेड मूविंग टोटल। तो पहला और आखिरी में क्रॉस हुआ। हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे ना, 123 प्लस 140 प्लस 110। अब खाली प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। मतलब 123 × 1 प्लस 140 × 2 प्लस 110 × 1, फिर 140 × 1 प्लस 110 × 2 प्लस 98 × 1, 110 × 1 प्लस 98 × 2 प्लस 104 × 1, फिर क्या होगा, 98 × 1 प्लस 104 × 2 प्लस 133 × 1। तो वेट्स कुछ भी रह सकता है, 1:1 जरूरी नहीं है, 2:2:1:1 भी हो सकता है, 1:1:2 भी हो सकता है, 1:2:3 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, देखना है, वेट्स का सीक्वेंस मत बदल दीजिएगा।
जैसे रहेगा वेट्स वैसे ही मल्टी, देखो सब जगह क्या है 1:1 ही हो रहा है। अब जो भी टोटल आएगा, टोटल को डिवाइड बाय 3 नहीं करना है, डिवाइड बाय 4 करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल को डिवाइड बाय 3 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट में सम ऑफ द वेट्स, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ये नोट में लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, टोटल को डिवाइडेड बाय 3 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट में क्या सम ऑफ द वेट्स, सम ऑफ द वेट्स। तो चलिए आप लोग इसका टोटल बताइए, फाइव वन थ्री, ठीक है। अब सबको डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा, सबको डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज है तो नहीं, 3 ईयर का मतलब ये 3 वैल्यू लेके करना है, 5 ईयर होता तो 5 वैल्यू लेके करते हैं। क्लियर करो फटाफट। वैसे 5 ईयर का भी सिमिलरली होगा, वो इनटू वेट करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, सम ऑफ द वेट्स। लॉजिक क्लियर करो, लॉजिक क्लियर है ना, फिर तो 100 सम भी प्रैक्टिस करेगा तो कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एक कोई भी सम आएगा एग्जाम में कर लेगा, ठीक है। अब आप रिग्रेशन ट्रेंड लाइन हेडिंग दीजिए, देखिए y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, मतलब हम लोग मेथड ऑफ फ्री हैंड मेथड सीख लिए, हम लोग सेमी एवरेज मेथड सीख लिए, मूविंग एवरेज सीख लिए, अब क्या बचा MOLS, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, MOLS, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो इसमें रिग्रेशन ट्रेंड लाइन कैसे निकलता है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। तो y का मतलब क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, y का मतलब है प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, y का मतलब है प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, a का मतलब है y एक्सिस इंटरसेप्ट और द हाइट ऑफ द लाइन अबव द ओरिजिन, a का मतलब है y एक्सिस इंटरसेप्ट। बहुत बार एग्जाम में क्या करता है, खाली a का मतलब पूछ देगा, b का मतलब पूछ देगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टेक्निकल क्वेश्चन बोलते हैं सबको। y एक्सिस इंटरसेप्ट और द हाइट ऑफ द लाइन अबव ओरिजिन, इसका मतलब जब x 0 है तो y क्या है, a, जब x को 0 पुट करो तो तुम्हारा y क्या आ जाएगा, a, और b को बोलते हैं स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, और यहां पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो जहां तुमने इक्वेशन लिखा था ना वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, यही बगल में लिख दो वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। तो इस कॉन्स्टेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो नॉर्मल इक्वेशन चाहिए, इस कॉन्स्टेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो नॉर्मल इक्वेशन चाहिए। ये रहा वो दो नॉर्मल इक्वेशन, समेशन वाई इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स एंड समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। ये दो हम लोग का नॉर्मल इक्वेशन है, समेशन वाई इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन एक्स एंड समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपना कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ईयर का जो मिड पॉइंट होता है ना उसको ओरिजिन मान लेते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज इज टेकन एज ओरिजिन, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज इज टेकन एज ओरिजिन, ठीक है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज टेकन एज ओरिजिन देन द नेगेटिव वैल्यूज इन द रुक जाओ देन द नेगेटिव वैल्यूज इन द फर्स्ट हाफ बैलेंस आउट द पॉजिटिव वैल्यूज इन द सेकेंड हाफ समेशन एक्स को जीरो। मतलब अगर हम लोग किसी भी तरीके से समेशन एक्स को जीरो कर देते हैं तो मेरा कैलकुलेशन इतना ईजी हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा समेशन वाई बाई एन और बी हो जाएगा समेशन एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस वी नीड टू मेक समेशन एक्स इक्वल टू जीरो एंड समेशन एक्स इक्वल टू जीरो तभी आएगा जब आप ओरिजिन को मिड ईयर पकड़ेंगे। तो लिखो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस वी नीड टू मेक समेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो, वी नीड टू मेक समेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो, वी नीड टू मेक समेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो। वी नीड टू मेक समेशन एक्स इक्वल्स टू जीरो विच कैन बी डन, विच कैन बी डन इफ मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज इज टेकन एज ओरिजिन। इफ मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज इज टेकन एज ओरिजिन, चेक चेक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
ए क्या है समेशन वाई बाई एन, और बी क्या है समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या बोलना चाह रहा था, सेल्स को तो हम लोग वाई पकड़ रहे, सेल्स को हम लोग क्या पकड़ेंगे वाई, अब इसका मिड पॉइंट क्या लेंगे बोलो, अब इसका मिड पॉइंट क्या ले, मिड पॉइंट क्या लेंगे 2007.50, तो एक्स का फॉर्मूला होगा वाई माइनस मिड पॉइंट बाई हाफ। सर बाई हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग मिड पॉइंट से माइनस कर रहे हैं तो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, वो सही है, बट वो मेरा क्या आ जा रहा है डेसिमल में आ जा रहा है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय टू या बाई हाफ बात सेम है, हमको एनी हो अपना कैलकुलेशन को सिंपल करना है। तो इसका टोटल क्या आया जीरो, वाई एक्स स्क्वायर आराम से निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर आराम से निकल जाएगा, एक्स वाई निकल जाएगा, सम हो गया मेरा। ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको ये दो इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़े, मेरा इजी वे में आंसर निकल जाए। ठीक है, तो पहले आप ये पूरा कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप सिर्फ ये वाला कॉलम कॉपी करेंगे, ये सब कुछ लिखने का दरकार नहीं है आपको। हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, ईयर और सेल्स का जो कॉलम होगा ना ऊपर में लिखेंगे गिवेन, ऊपर में लिखेंगे गिवेन, ऊपर में लिखेंगे गिवेन, ईयर और सेल्स ऊपर में लिखेंगे गिवेन, ऊपर में लिखेंगे गिवेन, ऊपर में लिखेंगे गिवेन, ठीक है। फिर एक्स का कॉलम बनाएंगे आप, एक्स का कॉलम बनाइए, -5 -3 -1 +1 +3 +5, ये दोनों कॉलम के बाद बनाइए एक्स का कॉलम, और एक्स में क्या लिखेंगे -5 -3 -1 +1 +3 +5, और नीचे जाके लिखिए मिड पॉइंट कैलकुलेशन के साथ आया है। गिवन में सिर्फ ये दो कॉलम ही रहेगा आपको, तो वही तो बता रहे, लिखो मिड पॉइंट, इस दोनों का एवरेज लेते हैं हम लोग, 2007 प्लस 2008 होल डिवाइडेड बाय टू, 2007 प्लस 2008 डिवाइडेड बाय टू, तो मेरा क्या आया 2007.50। अब एक्स का फॉर्मूला लिखो, ईयर माइनस ओरिजिन बाई हाफ, ईयर माइनस ओरिजिन बाई हाफ, तो 2005 माइनस 2007.5 -2.5 आता है, डिवाइडेड बाई हाफ करेगा तो -5 आएगा। हम पहला वाला का कैलकुलेशन बता दे रहे हैं, 2005 -2007.5 ईयर माइनस ओरिजिन बाई हाफ, कैलकुलेट करो तुम्हारा -5 ही आएगा। ठीक है, एक्स आ गया, तो अब एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकाल के टोटल करो उसका, एक्स आ गया तो अब एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकाल के टोटल करो उसका, एक्स आ गया अब एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकाल के टोटल करो उसका,
ठीक है। तो अब ए का फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन वाई बाई एन, एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा गिवेन, और बी का मतलब क्या हो गया, समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। ए का फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन वाई बाई एन, और बी हो गया समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। तो मेरा ट्रेंड इक्वेशन आ गया, मेरा ट्रेंड इक्वेशन आ गया, मेरा ट्रेंड इक्वेशन आ गया। दिस इज नॉट ऑल, यही जिंदगी खत्म नहीं होता है, ये तो पूछेगा ही, इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछा, देखो ध्यान से, एस्टिमेट द सेल फॉर द ईयर 2012, एस्टिमेट द सेल फॉर द ईयर 2012। तो एक्स निकालेंगे पहले, 2012 माइनस ओरिजिन बाई हाफ विच इज कमिंग टू 9। तो जो अब इक्वेशन आया है ना, उसमें एक्स को 9 पुट करके आंसर निकालेंगे। तो दिस इज माई एस्टिमेटेड वैल्यू, 2012 में हम इतना का सेल अचीव कर सकते हैं। है बहुत सिंपल, एग्जाम में आप लोग कर भी लेंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। सर क्या रहेगा, आपके पास ईयर और वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू को वाई मान के पहले एक्स निकालेंगे, एक्स निकालने के बाद एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकालेंगे। एक्स का टोटल क्या आना चाहिए, जीरो। एक्स का टोटल क्या आना चाहिए, जीरो। फिर ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, इक्वेशन पुट कर दिया, एस्टिमेट करने बोला है तो एक्स का वैल्यू निकाल के पुट कर दो। ठीक है, अब देखो जो पहला जो सम्स था ना, वो इवेन ईयर का था, तो इवेन ईयर में इतना झमेला करना पड़ता है, ऑड ईयर में झमेला है ही नहीं। क्यों सर, जो बीच वाला ईयर है इसको ओरिजिन मानेंगे, तो बीच वाले को जीरो पुट कर दिया, ऊपर जाओ माइनस करते, नीचे जाओ प्लस करते, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री नीचे, और वाई दिया हुआ है, वही एक्स स्क्वायर एक्स वाई निकाला, वही एक्स स्क्वायर एक्स वाई निकाला। ये निकालने के बाद क्या करना है, ए का फॉर्मूला क्या है, समेशन वाई बाई एन, और बी का क्या है, समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन निकाल लेगा, हाँ, और क्या बोला है, एस्टिमेट करने बोला है प्रॉफिट किसका, तो एक्स का वैल्यू निकालेगा, पुट कर देगा। इस समय नया क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, मतलब सबको क्या करना है, सारा एक्स को पुट करके आंसर निकालना है, सारा एक्स को पुट करके आंसर निकालना है। बट इसका भी एक शॉर्टकट टेक्निक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए पहले ईयर और प्रॉफिट कॉपी करिए, ऊपर में क्या लिखेंगे, गिवन, ऊपर में क्या लिखेंगे, गिवन, ईयर और प्रॉफिट कॉपी करिए, ऊपर में क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है, ईयर और प्रॉफिट कॉपी करिए, ऊपर में लिखेंगे गिवन, क्योंकि ये दिया रहता है, ये दिया रहता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, नीचे ओरिजिन ब्रैकेट में मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर वन में क्या लिखेंगे, ओरिजिन मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज, क्या हो रहा है 2006। सबसे पहले ओरिजिन निकालते हैं, ब्रैकेट में क्या, मिड पॉइंट ऑफ द टाइम सीरीज कितना आएगा 2006। एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, यहां पे एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ईयर माइनस ओरिजिन, एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया यहां पे, ईयर माइनस ओरिजिन, उस हिसाब से मेरा एक्स वाला कॉलम कॉपी करो, उस हिसाब से मेरा एक्स वाला कॉलम कॉपी करो, और एक्स वाला का कॉलम जब जीरो आएगा ना, तभी एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकालना। नहीं, वो इवन ईयर में करते हैं, ठीक है,
तो बीच वाला को जीरो पुट कर दिया, फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और नीचे वन टू थ्री, एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है, तब जाकर के एक्स स्क्वायर और एक्स वाई निकालेंगे आप। एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है तभी जाकर के आप क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, अब n सेवन है, इक्वेशन तो ये है, तो y और b निकाल लो, y और b निकाल लो, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 92.5 प्लस 3 पॉइंट कितना आ रहा है, देखो तो ये गलत किया है ये लोग, यहाँ पर रॉन्ग है, y इक्वल्स टू सॉरी A इक्वल्स टू समेशन वाई बाई एन दैट इज 532 बाई 7, कितना आ रहा है 76 आ रहा है, और B इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज 136 बाई 28, कितना आ रहा है, दो डेसिमल प्लेस तक लेंगे 4.85। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन हो गया, y इक्वल्स टू 76 प्लस 4.85x, y इक्वल्स टू 76 प्लस 4.85x। अब मजा आएगा, तो x को जीरो पुट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 76। तो बगल में कॉलम बनाओ ट्रेंड वैल्यूज का, बगल में कॉलम बनाओ ट्रेंड वैल्यूज का, जब x जीरो है तो y इक्वल्स टू a, तो जहां जीरो है वहां पे 76 पुट कर दो। अब सुनो, ऊपर जाते जाते जाएगा मतलब माइनस 4.85 करते रहो, तो कैलकुलेटर में 76 माइनस 4.85 इसके ऊपर वाला का आंसर आया, फिर माइनस 4.85 ऊपर वाला का आंसर आया, फिर माइनस 4.85 ऊपर वाले का आंसर आया, क्योंकि जो चेंजिंग फैक्टर है रेट ऑफ चेंज इज व्हाट 4.85, तो ऊपर की तरफ जा रहे तो माइनस करते जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस करते जाएंगे, तो 76 माइनस 4.85 थर्ड ईयर का आंसर आया, माइनस 4.85 सेकेंड ईयर का आ गया, माइनस 4.85 फर्स्ट ईयर का आ गया, 76 प्लस 4.85 फिफ्थ ईयर का आ गया, प्लस 4.85 सिक्स्थ ईयर का आ गया, प्लस 4.85, क्योंकि रेट ऑफ चेंज क्या है, हम तो बीच में खड़े हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस करते जाएंगे, तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, इजीली हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड वैल्यूज बोलते हैं। सपोज करो सेम क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पूछ देता तो क्या करता, ओरिजिनल वैल्यू जो यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ वो माइनस ट्रेंड वैल्यूज, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला यही होता है, ओरिजिनल माइनस ट्रेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज और था ना, 2012 का वैल्यू निकालना था हम लोगों को, तो 2012 में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2012 माइनस 2006 एक्स इक्वल्स टू 6, पुट करके निकाल लो एस्टिमेटेड वैल्यू, पुट करके निकाल लो एस्टिमेटेड वैल्यू, पुट करके निकाल लो एस्टिमेटेड वैल्यू, बोलिए क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2003 का कितना साल का डेटा दिया है, 5 साल का, ध्यान दीजिएगा यहां पर,
5 साल का डेटा दिया है, उसमें भी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर नहीं दिया और इसका थर्ड एंड फोर्थ नहीं दिया। इसका मतलब हर क्वार्टर का 4 साल का ही डेटा है, दिया है 5 साल। तो क्या निकालना है? सीजनल इंडिसेस निकालना है फॉर ईच क्वार्टर। सीजनल इंडिसेस निकालना है फॉर ईच क्वार्टर फॉलोइंग परसेंटेजेस दिया हुआ है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टरली टोटल लगाएंगे। बच्चा यहां पर पता है गलती क्या करेगा, बच्चा यहां पर सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 कर देगा। बेटा यहां पर जीरो नहीं दिया हुआ है, यहां पर डैश दिया हुआ है, मतलब नॉट गिवन। तो तुम जब क्वार्टरली टोटल कर रहा है इसमें कितना का वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाई 4 ही तो करेगा एवरेज निकालने के लिए। चीज को समझा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर यहां पर मान लो जीरो दिया रहता तब इसमें 5 साल का वैल्यू होता और फिर डिवाइडेड बाई 5 होता, बट यहां पर जीरो नहीं है, यहां पर क्या है, दिया हुआ ही नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा सीजनल इंडिसेस जब बोलेगा तो कैसे करना है हम लोग को, कैसे करना है हम लोग को? पहले क्वार्टरली टोटल निकालना है, फिर क्वार्टरली एवरेज निकालना है। ये मेरा क्या है, स्टेप वन। और क्वार्टरली एवरेज से क्या निकलेगा, ग्रैंड एवरेज। क्या निकलेगा, ग्रैंड एवरेज। सर व्हाट इज ग्रैंड एवरेज? सारे एवरेज का भी एवरेज। चलो निकालो फटाफट, स्टेप वन करो। पीडीएफ तो भेज ही देंगे। क्लियर करो अच्छे से। क्वार्टरली टोटल में टोटल करने के बाद क्या होगा? हाँ डैश मतलब ही तो ब्लैंक हुआ ना। स्टेप वन टोटल करके क्वार्टरली एवरेज फिर ग्रैंड एवरेज। स्टेप वन स्टेप टू बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वार्टरली एवरेज बाय ग्रैंड एवरेज इनटू 100। क्वार्टरली एवरेज बाय ग्रैंड एवरेज इनटू 100, यही मेरा क्या हो गया, सीजनल इंडिसेस। यही मेरा क्या हो गया, सीजनल इंडिसेस। क्वार्टरली एवरेज बाय ग्रैंड एवरेज इनटू 100 और चारों जोड़ के 400 होना चाहिए, चारों को जोड़ के 400 होना चाहिए। बताना था वैल्यू, मेरे को कुछ गलत लग रहा है, तुम देखना तो ये गलत है वैल्यू यहाँ का, करके बताना कितना आ रहा है। हम लोग 2 डेसिमल प्लेस तक लेंगे, हाँ या 2-3 जो भी लेना ले लो, एग्जाम में जैसा आज सर दिया रहेगा। क्वार्टरली टोटल डिवाइडेड बाई 4, इस चारों एवरेज को जोड़ दिए फिर डिवाइडेड बाई 4, ग्रैंड एवरेज का मतलब एवरेज का भी एवरेज। बट ये तो टोटल साफ साफ दिख रहा है, टोटल करके डिवाइड बाई 4 किए। कितना आ रहा है दादा?
99.04 के बाद क्या आ रहा है? तो 0.48, 99.048। नोट में लिख लेना, सीजनल इंडिसेस चारों क्वार्टर का मिला करके 400 आना चाहिए तभी सही है, वरना गलत है। सीजनल इंडिसेस चारों क्वार्टर का मिला करके 400 आना चाहिए। कैसे तुम फोर हंड्रेड पूरा आएगा, एग्जैक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मूव ऑन, चार पांच क्वेश्चन है, फटाफट करते चलिए। अब इसमें फाइव ईयर वेटेड मूविंग एवरेज निकालना, हेडिंग दो फाइव ईयर वेटेड मूविंग एवरेज विथ वेट्स 1.1, 3.2, 1। फाइव ईयर वेटेड मूविंग एवरेज विथ वेट्स 1.1, 3.2, 1। ठीक है, तो ईयर और सेल्स गिवन रहेगा, पहले फाइव ईयर वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे और फिर फाइव ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। तुम यहां से यहां जब जाएगा तब डिवाइड बाय एट करना, डिवाइड बाय एट की 1+1+3+2+1। चलो फटाफट, पहला कॉलम बनेगा ईयर का, दूसरा कॉलम बनेगा सेल्स का, तीसरा बनेगा फाइव ईयर वेटेड मूविंग टोटल और फिर बनेगा फाइव ईयर वेटेड मूविंग एवरेज, फिर बनेगा फाइव ईयर वेटेड मूविंग एवरेज, फिर बनेगा फाइव ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। फिर वैसे करके वैल्यू भी शिफ्ट होगा। अब 33 × 1 करेंगे। हम पता है क्या करते थे एग्जाम में, हम पहला वाला को मार्क कर लेते थे, फिर ये चीज पूरा करते थे, फिर हम दूसरे वाले को यहाँ मार्क करते थे, फिर ये चीज पूरा लिखते थे, फिर तीसरे वाले को यहाँ मार्क करते थे। इससे कन्फ्यूजन नहीं होता था हमको, जहां से स्टार्ट करना है उसको मार्क करके उसका पांच वैल्यू ले लो, क्योंकि नॉर्मली बोलता तो माइनस प्लस करके कर लेते, यहां तो नॉर्मली बोला नहीं है ना, यहां तो आपको इंडिविजुअली वैल्यूज कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और डिवाइडेड बाय 8 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सम ऑफ द वेट्स इज इक्वल टू 8। डिवाइडेड बाय 8 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सम ऑफ द वेट्स इज इक्वल टू 8।
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर अब कर लेगा। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अज्यूमिंग नो ट्रेंड कैलकुलेट सीजनल वेरिएशन इंडिसेस। अज्यूमिंग नो ट्रेंड कैलकुलेट सीजनल वेरिएशन इंडिसेस। तो सबसे पहले तो 4 साल का डेटा यहां पूरा दिया हुआ है, 4 साल का डेटा का टोटल फिर एवरेज, दिस इज कॉल्ड स्टेप वन। सबका टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 करेगा तो क्या आएगा, एवरेज आएगा। रुक जाओ, फिर क्या निकाल रहा है, एवरेज ऑफ क्वार्टरली एवरेज, फिर ग्रैंड एवरेज निकालेगा। चलो कंप्लीट करो फटाफट। तुम लोग के पास तो पीडीएफ तो है ही, तुम लोग कर सकते हैं खुद से सम्स, तो आगे डिस्कस कर लेते एक बार सारा सम्स, फिर एक एक करके कर लेंगे, है ना। तो ये तो वैसे ही था। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, क्या है बोलो, इसका जब एवरेज निकलेगा तब डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। वेरी गुड, बाकी सब सेम है। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला लिख लो, करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला लिख लो। अगर 3 साल दिया हुआ है तो 300, 4 साल दिया हुआ है तो इसके हिसाब से होता है, 3 दिया हुआ है तो 300, 4 दिया रहेगा तो 400, 300 बाई समेशन ऑफ एवरेज, समेशन ऑफ एवरेज। देखो इससे इसको माइनस कर दिया है, नहीं क्या क्या, क्या एक सेकेंड रुको, एक बार इसका टोटल करो तो कितना आ रहा है, इसका टोटल करो। टोटल करने में तुम लोग इतना टाइम लग जाता है, डिवाइडेड बाय 3 करो, 101.27। अब 94 डिवाइडेड बाय ये करो कितना आ रहा आंसर, 94.315। तो सीजनल इंडेक्स वैसे कंस्ट्रक्ट किया है, अब तुम लोग इस दोनों को जोड़ो, इस तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है, इस तीनों को ऐड करो कितना आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली किया, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लेना करेक्शन फैक्टर का, समेशन ऑफ एवरेज, 4 क्वार्टर रहता तो 400 बाई समेशन ऑफ एवरेज। ठीक है, सीजनल इंडेक्स का फॉर्मूला क्लियर है।